Hello दोस्तों, so today we are going to start another segment of this channel. Thank you so much for your response and the support which has motivated us to try another fields to share the knowledge. So now we are starting with the school education. So to start with, we are going to enter into the class 9th mathematics. And we are, this is the very first video related to class 9, and we are starting with the chapter 2, that is polynomial. Now when we talk about polynomial, if we talk about the basic definition part of the polynomial, it is very simple that any algebraic equation seems to be like a polynomial. हर एक जो भी हम algebraic expression को देखते हैं, algebraic इक्वेशन को देखते हैं, हमें वो पॉलिनोमियल जैसा लगता है. बट देयर आर सर्टेन क्वालिटीज, सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ एन एल्जेब्रिक इक्वेशन व्हिच प्रूव्स इटसेल्फ दैट इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट. एक पॉलिनोमियल होने के लिए एक एल्जेब्रिक इक्वेशन में, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ प्रॉपर्टीज हमें देखनी पड़ती है. प्रॉपर्टीज नाम से इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि कोई लाइक कोई कॉन्ग्रुएंस की जैसी कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है, कोई सिमिलैरिटी जैसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है. बहुत सिंपल चीज है, हमें उस बहुत बेसिक लेवल पे जाकर के उसको समझना है. सो सपोज मैं एक सामने एग्जांपल लिखता हूं, दैट इज 2x² + 5x + 10 सपोज. सो इज इट अ पॉलिनोमियल और नॉट? देखने में देखते ही कोई बोल देगा यस पॉलिनोमियल है. क्यों? क्योंकि बिकॉज हम इस तरह के एक्सप्रेशन से बहुत डील करते आए हैं और इन्हें हमने पॉलिनोमियल कहा है. लेकिन पॉलिनोमियल क्यों कहा है उस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है. व्हाई वी कॉल देम एज पॉलिनोमियल्स, व्हिच दैट इज द थिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड नाउ. दिस वीडियो इज टोटली बेस्ड ऑन द बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल. वी विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर एंड द एक्सरसाइजेस इन द कमिंग वीडियोस. टुडे वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल. सो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कब कहेंगे? सबसे पहले आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि वेरिएबल क्या है. सो इसमें आपने देखा दिस एक्स इज द वेरिएबल, राइट? नाउ हमें ये देखना है दैट द पावर, द एक्सपोनेंट ऑफ दिस वेरिएबल इज ऑलवेज द पॉजिटिव इंटीजर और नॉट. इस वेरिएबल की जो भी पावर है, जो भी पावर में लगा हुआ है इस पूरे एक्सप्रेशन में, वो एक पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं. अब अगर देखते हैं 2x² पावर इज 2, x 1 या है नहीं. सो इस पूरे एक्सप्रेशन में x की जो पावर है, इट इज ऑलवेज द पॉजिटिव इंटीजर, राइट? सो इसलिए इस पर्टिकुलर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे. सो इन अ नटशेल, इन अ समराइज वे, a polynomial is an algebraic expression in which the power of the variable is always the positive integer. एक algebraic expression जिसमें variable की power हमेशा positive integer हो, हम उसे एक polynomial कहेंगे. Now suppose मैंने इसको इस तरह से लिख दिया 2x² + 5x + 10. Now this is not a polynomial. क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव नहीं है. यहां पे जब हम इसे देखेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 2x² + 5x - 1 + 10. इसको ऊपर ले आया, पावर नेगेटिव हो जाएगी. सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. अनदर एग्जांपल जो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, लाइक 2√x + 3, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल नहीं है. हमें सिर्फ वेरिएबल की पावर चेक करनी है और उसमें ये देख लेना है कि इसकी पावर जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं है. नाउ कुछ छोटी छोटी चीजें हमें इसमें ध्यान रखनी है. जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल से मेरा मतलब क्या है? जैसे मैंने लिखा 2x + 3x² + 10, ये एक पॉलिनोमियल है. लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म से हमारे पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि हम अगर पॉलिनोमियल जो भी मेरा है उसको मैं x की असेंडिंग या डिसेंडिंग पावर में, x की जो भी पावर है उनको मैं ऑर्डर में अरेंज कर दूं. जैसे मैं दो तीन एग्जांपल लेता हूं. सपोज -2x - 3x² + 3x³ - 10, राइट? 2x² + 10
प्लस 3x क्यूब प्लस x सपोज, ये सब पॉलिनोमियल है. Why? Because इन सब में वेरिएबल की जो पावर है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है. अब बात आती है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल. राइट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल से हमारा मतलब सिर्फ ये होता है कि आप उस पॉलिनोमियल को इस तरह से अरेंज कर दें कि x की पावर या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, या तो कम से ज्यादा या ज्यादा से कम. ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इसको देखें तो आप इसको अरेंज कर दीजिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, 2 पावर 1 पावर 10 पावर. राइट, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 10 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, बोथ कैन बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल. दोनों को आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल कह सकते हैं, बट जनरली हम यूज में ये लेते हैं, इसलिए हमारी आदत ये पड़ी हुई है. क्योंकि अगर आप ने देखा हो तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को ये लिखते हैं. राइट, डिक्रीजिंग ऑर्डर, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं. ठीक है, सो नाउ इसकी बात करें तो इसको आप अरेंज कर दीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, पूछा जाए 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10. इसको अगर हम देखें तो 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 10. सो दिस इज व्हाट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल. बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए आगे चलते हैं. अब सेकंड चीज ये आती है कि एक बार वापस मैं जाता हूं इस स्टैंडर्ड फॉर्म को ही ले लेता हूं. चलिए एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9. इसमें x इज द वेरिएबल, जहां जहां भी x है वो एक वेरिएबल कहलाएगा. ठीक है, पहली चीज समझ आ गई. नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस 3x स्क्वायर, दिस 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. राइट, दिस 10 इज द coefficient of x and this 9 is nothing but the constant term. Right, now I have said constant term, so this term word is also has some significance. Is term ko bhi hame samajhna hai ki term se hamara kya matlab hai, to usko bhi samajhte hain. Suppose I have written 3x plus 2, it is a polynomial. Yes, और इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं. अभी जब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे आएंगे तो इसको भी हम क्लियरली आइडेंटिफाई करेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल से हमारा मतलब क्या है. सो 3x plus 2, दिस इज अ, यहां पे ये हो गया, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड दिस इज द कांस्टेंट टर्म. राइट, इन 9th स्टैंडर्ड वी विल बी डीलिंग मोस्टली विद द वन वेरिएबल पॉलिनोमियल. आपके पास में टू वेरिएबल पॉलिनोमियल्स अभी नहीं होंगे, सो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इज जिसमें एक वेरिएबल हो. राइट, और दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, दिस इज कांस्टेंट. नाउ जो चीज हमें समझनी है वो है नंबर ऑफ टर्म्स. व्हेन वी टॉक अबाउट द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, इन अ पॉलिनोमियल वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट काउंट 1 एंड 2. सो देयर आर two terms in this polynomial. For example, if we take 3x square plus 9x plus 2. So 1, 2, 3. Number of terms are 3. Bahut simple hai. It's quite easy. So this is how we can identify the number of terms in a polynomial. So if we revise the things we have done is, first we have completed what is a polynomial and what are the necessary condition, what is the necessary condition rather, is for a particular algebraic expression to be called as polynomial. That is, the power of the variable should be positive integer, not negative integer. Right, second thing we have done is what do we call a coefficient. So coefficient of x square is a, coefficient of x is b, and this is the constant term, and number of terms are only 1, 2, 3. So there are 3 terms. Why do we need to understand this number of terms and all? Right? So, before going into the application of number of terms, we need to understand one more thing, that is degree of a polynomial.
Now when we talk about degree of a polynomial, again बहुत कुछ कोई एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी नहीं है, बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है. डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल से हमारा मतलब है, सपोज वी हैव रिटन 10x क्यूब प्लस 19x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 1. सो हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4, राइट? डन. सो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई the variable. So variable is x, it is one variable polynomial. Most of the in 99% cases in class 9 you will be dealing with the polynomial with one variable only. So variable is x. So for getting a degree of a polynomial, degree of a polynomial se hamara matlab sirf itna hai ki us pure polynomial mein variable ki highest power kya hai. So highest power of the variable is 3. So degree of this polynomial, suppose px, is 3. Suppose another example, 3x plus 18. So it's a linear polynomial. So degree of this polynomial is 1 because the highest power of x is 1. So this is how we can identify the degree. So as a basic concept, we have understood two things. One is the terms and second is degree. I hope dono cheeze samajh mein aa gayi ho. Number of terms usme count kare ki kitne terms usme hai, that is called as number of term. And second thing is degree, the highest power of the variable in that particular polynomial is called as degree of that particular polynomial, right? Kuch bhi ho sakti hai, agar x ki power 5 hai, to highest power of x 3x 5 plus 4x 4 plus 2x square minus 9x cube plus 1. So highest power of the polynomial is 5. So degree of this highest power of the variable, sorry, is 5. So the degree of this polynomial is 5. Now why do we need to study all these things? Because in order to understand the types of polynomial, we should know the concept of terms and degree. Types of polynomial. Now when we talk about types of polynomial, the categorization of polynomial is being done on the basis of two things. Polynomial ke types ko do category mein divide kiya gaya hai. One is on the basis of degree and second is on the basis of number of terms, right? Samajh gaya? So on the basis of degree and on the basis of number of terms, when we talk about on the basis of degree, the first and very famous type of a polynomial is constant polynomial. Constant polynomial, right? The second thing is linear polynomial. Third one is quadratic polynomial. Quadratic polynomial, right? And the fourth one is cubic polynomial. There are various types of polynomial based on the degree of the polynomial. Fifth, we can say biquadratic polynomial. Ninth standard mein yahan tak ki study aapke liye enough hai. Ye paancho types aapko bata honi chahiye. Now we'll be dealing with some examples to understand all these types of polynomial on the basis of degree. The second one is on the basis of terms. On the basis of terms, when we talk about kitni terms us polynomial mein hai, uske basis pe ek categorization hota hai. So bahut jyada kuch nahi hai. First is monomial, second is binomial, and the third one is trinomial.
These are the some types of polynomial. ये chart बना के मैंने इसलिए लिख दिया so that सारे नाम आपके सामने एक बार आ जाए. Then we'll start one by one. First we'll start with the categorization of a polynomial on the basis of on the basis of degree. And second we'll start with the categorization of polynomial on the basis of number of terms. Right? इन सब के अलावा एक और चीज आती है वो है जो एक अलग कैटेगरी में डाली गई है दैट इज जीरो पॉलिनोमियल. नाउ व्हाट इज इट वी विल बी डीलिंग इन द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन. राइट सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. सो मैं इसको इस तरह से फर्स्ट कैटेगरी जो है हमारी उसी की बात पहले कर लेते हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कांस्टेंट पॉलिनोमियल से हमारा मतलब है अगर मैं यहां पे इन सब की डिग्री लिखूं कि कौन से पॉलिनोमियल की डिग्री होने पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कांस्टेंट या नहीं है. सो डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज व्हाट. कांस्टेंट पॉलिनोमियल का पहले हम एग्जांपल लेते हैं. डिग्री से पहले लेट्स सी सम एग्जांपल्स. सपोज इफ आई एम रिटन 3 is it a polynomial? Please take some time and then answer. Is it a polynomial? Yes. Why it is a polynomial? Because when we write it as 3, I can write it as 3x to the power 0. Right? 3x to the power 0. I can write it. Right? So 3x 0 mein isko likh sakta hu. So ye sirf ek samajhne ka tarika hai. आपको जब भी कोई कांस्टेंट कोई भी रियल नंबर लिखा हुआ आपको मिले यू कैन कॉल इट एज यस इट इज अ पॉलिनोमियल. एंड व्हाट काइंड ऑफ अ पॉलिनोमियल इट इज. इट इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल. सो द डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो. राइट कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जीरो हो उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल. दिस इज द डेफिनेशन. और शॉर्ट में आपको सिर्फ इतना याद रखना है दैट a constant polynomial is a polynomial whose degree is zero. Right? So let's start with the linear polynomial. Very famous. Suppose 3x plus 20 where power of the highest power of the variable 1. So degree of this polynomial is 1. So for a linear polynomial, for a polynomial to be called as linear polynomial, its degree should be 1. So if the degree of any polynomial is 1, it will be called as linear polynomial. ठीक है? Then quadratic polynomial नाम से पता चल रहा है very famous. एक example यहाँ सामने standard form में लिखा हुआ भी है एक quadratic polynomial का. The polynomial whose degree is 2, जिस भी polynomial की degree 2 हो, जिस भी polynomial में variable की highest power 2 हो, उसको हम बोलते हैं quadratic polynomial. Example 2x square plus 3x plus 1. Right? It is a quadratic polynomial. So cube degree is 2. Then cubic polynomial. क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 सपोज. राइट सो दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. व्हाई बिकॉज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3 सो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3. राइट सो किसी भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो उसे हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल. राइट देन आता है आपका बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. राइट 0 हो गया 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया. सो अगर सिमेट्री से देखें तो व्हाट बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 1 इन व्हिच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 4. सो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इफ द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 4 इट विल बी कॉल्ड एज बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. आई होप ऑल द टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इज क्लियर. नाउ प्लीज नोट इट डाउन सो दैट वी कैन मूव फर्दर to understand that what are the types of a polynomial on the basis of number of terms. Please note it down so that we can move further. Right, I hope aapne ye copy kar liya hoga. So let's start with the second category of the polynomial, that is the categorization of the polynomial on the basis of number of terms in that polynomial. Right, so number on the basis of number of terms.
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स. सबसे पहला क्या लिखा था? मोनोमियल. सेकेंड हमने लिखा था बाइनोमियल, और थर्ड हमने लिखा ट्राइनोमियल. बेस्ड ऑन दिस देयर आर अदर पॉलिनोमियल्स आल्सो, बट यहां पे अगर हम इन तीन के बारे में समझ के रखेंगे तो क्लास नाइन्थ में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. इनसे ऊपर के क्वेश्चन आपसे नॉर्मली नहीं पूछे जाते हैं. सो इफ वी टॉक अबाउट मोनोमियल, द नंबर ऑफ टर्म्स इज वन. बाइनोमियल, द नंबर ऑफ टर्म्स आर टू. एंड ट्राइनोमियल, द नंबर ऑफ टर्म्स आर थ्री. एग्जाम्पल, वन थ्री एक्स, इट्स अ मोनोमियल, राइट. सेकेंड अनदर एग्जाम्पल थ्री, इट इज अगेन अ मोनोमियल, राइट, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स इज थ्री. बाइनोमियल की बात करें, इन दोनों को अगर एड कर दिया, इट इज अ बाइनोमियल बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स आर टू. अनदर एग्जाम्पल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, इट इज अगेन अ बाइनोमियल, राइट. एंड ट्राइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स आर थ्री. सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ द मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. आई होप यू हैव गॉट द आइडिया. बहुत कुछ इसमें नया नहीं है, नया इन द सेंस बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है. सो इफ वी समराइज द थिंग इज दैट व्हाट डू यू मीन बाय टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. सो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम दो कैटेगरी में स्टडी करते हैं. फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉलिनोमियल, इट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इट इज लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. अब एक ही पॉलिनोमियल आपका वो बाइनोमियल भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है. जैसे इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की बात करें, इट इज बाइनोमियल आल्सो एंड ऑन द सेम एट द सेम टाइम इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आल्सो. ये बाइनोमियल भी है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है. उसी तरह से अगर हम इसकी बात करें, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज वेल एज अ ट्राइनोमियल. सो इट्स अ मिक्स मैच. कुछ नाम हमने आइडेंटिफाई कर दिए हैं मैथ्स में, इसलिए हमें इनको विद एग्जांपल करना होता है. कभी कभार आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि वन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल. सो वी शुड अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट, और वो यही है. आपको कुछ थ्योरेटिकली कुछ डेफिनेशंस को रटने की और बहुत ज्यादा माइंड में रखने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ एग्जाम्पल से इनको आइडेंटिफाई करके रखें और ये टर्म मेन इसकी को पकड़े. दी बेसिक लॉजिक बिहाइंड दी कैटेगराइजेशन शुड बी अंडरस्टूड, दैट इज द नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म अगर एक हुई, विल कॉल इट मोनोमियल. नंबर ऑफ टर्म्स टू हुई, विल कॉल इट बाइनोमियल. नंबर ऑफ टर्म्स थ्री हुई, तो विल कॉल इट ट्राइनोमियल. सेम अप्लाइज टू द कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. अगर डिग्री जीरो हुई, विल कॉल इट कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल. अगर डिग्री वन हुई, विल कॉल इट लीनियर. टू हुई क्वाड्रेटिक, थ्री हुई क्यूबिक, फोर हुई तो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट. अब एक क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में रखा था वो ये अभी तक यहाँ है, दैट इज व्हाट डू वी कॉल अ जीरो पॉलिनोमियल. सपोज आपसे पूछा जाए, व्हाट डू यू थिंक दैट जीरो इज अ पॉलिनोमियल और नॉट. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट जीरो, यू कैन थिंक अबाउट दिस कि सर कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हो सकता है, मोनोमियल हो सकता है. नो, ये एक सेपरेट कैटेगरी बना दी गई है जीरो पॉलिनोमियल की. क्यों? बिकॉज यू कैन सपोज आपने कहा ये कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है, गलत है लेकिन एक बार के लिए सही मान लिया. व्हाट अबाउट द डिग्री of this polynomial? Now you'll say, sir, constant है तो one होगी. Okay, I can write zero as this. आपकी बात सही है, but I can write zero as this also. So what about this? अब तो degree दो हो गई ना. तो if the degree is two, how can we call it a constant polynomial? So that is why zero is been put into a separate category of polynomial, that is zero polynomial. And degree of a zero polynomial, please understand, is not defined. Always remember, degree of a zero polynomial is not defined. So this is how we have taken the complete idea of types of a polynomial on the basis of two degree, that is, sorry, on the basis of two things, that is number of terms and on the basis of
degree, right? I hope you have got the complete idea. So this is all about the basics of polynomial. These are the basic concepts of polynomial. In the coming video, we'll be dealing with the concepts related to the exercise and the problems of the first chapter, right? I hope you have got all the idea. If you find any problem, anything missing in this particular section of the video, please let me know in the comment section, and please like and subscribe the channel and keep sharing your feedback, whether it is positive or negative, because both the feedbacks help us to improve ourselves day by day. Thank you so much for watching. All the best.